नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज अस्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। अगर आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आना जाना है तो सावधान हो जाइए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर्स को लेकर NHAI अब एक्शन मोड में आ गई है। NHAI के मुताबिक देश के पहले 14 लेन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दो पहिया और तीन पहिया यानी कि थ्री व्हीलर्स वाहन चालकों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो संबंधी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, 5,000 रुपए का जुर्माना भी वाहन चालक को भरना होगा। आपको बता दें कि डिजिटल तरीके से हुआ चालान वाहन चालकों के घर पहुंचा दिया जाएगा। NHAI के मुताबिक दोपहिया और तीन पहिया वाहन चालकों की वजह से एक्सप्रेसवे पर हादसों में इजाफा हो रहा है। ये हाई स्पीड हाईवे है जिस पर इन वाहनों की चलने की अनुमति नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि कमिश्नर सुरेंद्र सिंह के निर्देश पर अगले एक सप्ताह के अंदर बड़ा अभियान चलाने की तैयारी है। यही नहीं, NHAI भारी संख्या में दुपहिया और तिपहिया वाहनों की नंबर प्लेट पुलिस को सौंपेगा, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। कई बार स्थानीय पुलिस ने परतापुर इंटरचेंज के पास खड़े होकर दोपहिया वाहनों को रोकने के लिए अभियान चलाया, लेकिन सफल नहीं हो सका। अब जो भी कोई एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों से सफर करेगा, घर पर चालान पहुंचाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है, इस पर सिर्फ चार पहिया या उससे ज्यादा वाहनों को चलने की अनुमति है। साथ ही हल्के वाहन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। इस मामले में भी लगातार वाहनों की गति को CCTV कैमरे में पढ़कर समीक्षा की जाती है। दोपहिया वाहनों के चलने पर 1,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आप अकेले दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो 1,000 और अन्य भी अगर आपके साथ बैठे हुए हैं तो 1,000 रुपए से ज्यादा का चालान भरना होगा। परियोजना निदेशक NHAI अरविंद कुमार बताते हैं कि जल्द ही जुर्माने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से लोगों को काफी सुविधा हुई है। अब इस रूट पर लोगों को आने जाने में कम समय लगता है, वहीं इस एक्सप्रेसवे पर हादसों की संख्या भी चिंताजनक है और इसी कारण अब सख्ती की जा रही है। हालांकि ये सख्ती कितनी कारगर साबित होती है और टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का आना जाना रुकता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज अस्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। विस्तृत खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विस्तार रूप की खबरें पढ़ सकते हैं।